और आगे बढ़ेंगे उन्नाव से आ रही एक बड़ी खबर के साथ। नहर में नहाने गए तीन दोस्तों के डूबने की खबर आ रही है। शारदा नहर में नहाने गए तीन दोस्त डूबे हैं, एक की मौत की खबर है, दो लोगों को बचा लिया गया। माकी थाना इलाके के मर्दनखेड़ा गांव की घटना है, बड़ी खबर। शारदा नहर में नहाने गए थे ये तीन दोस्त, एक दोस्त की मौत की खबर आ रही है जबकि दो लोगों को बचा लिया गया है। उन्नाव से बड़ी खबर, माकी थाना इलाके से। अगली खबर कुशीनगर से है। यहां पर दो दिनों से लगातार हो रही बारिश के बाद कुशीनगर में नारायणी नदी का जलस्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। वाल्मीकि नगर बैराज से 26,07,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज होने के बाद नारायणी नदी उफान पर आ गई। नारायणी नदी के किनारे बसे गांव बसंतपुर मरीचहवा गांव में तो बाढ़ का पानी घुस चुका है और साथ साथ नारायणी नदी के किनारे बसे दर्जनों गांव में कटान का खतरा भी मंडराने लगा है। हालांकि नारायणी नदी अभी खतरे के निशान से नीचे बह रही है, लेकिन अगर बारिश का दौर ऐसे ही जारी रहा तो इन इलाकों में नारायणी का कहर भी दिखाई दे सकता है। दो तस्वीरें उफान पर नारायणी नदी की तस्वीर भी आप देख सकते हैं और जो पानी गांव में घुसा है, बाढ़ का जो खतरा है, बल्कि बाढ़ आ ही चुकी है जैसे पानी घुसा हुआ दिखाई दे रहा है, वो भी आप देख सकते हैं। कुशीनगर की तस्वीरें, नारायणी नदी उफान पर, गांव में जो पानी घुसा उसका, वो भी आपकी स्क्रीन पर है। अगली खबर बाराबंकी से है। यहां पर सरयू नदी ने खतरे के निशान को पार कर लिया है और अब खतरे के निशान से 2 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। इसके चलते तराई वासियों के लिए मुश्किल का समय, लोगों में दहशत का माहौल है और इतना ही नहीं, गोंडा और बहराइच से सटा होने के कारण यहां भी प्रशासन अलर्ट पर है। बाराबंकी में सरयू खतरे के निशान से 2 सेंटीमीटर ऊपर। रामनगर, सिरौली, गौसपुर, फतेहपुर गांव, ये सब देखिए, यहां से लोगों को पलायन करना पड़ा है। ग्रामीणों को आप देख लीजिए रौद्र रूप बाराबंकी में। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।